नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, देश विभिन्नताओं का देश, विभिन्न भाषाओं का देश, नागरिकताओं का देश, आधारों का देश, त्योहारों का और देश बयानबाजी का। बयानबाजी से कहा क्योंकि इस समय देश में बयानबाजी चरम पर है। मुद्दे तो होते हैं राजनीति में, राजनीति भी होती है, सत्ता परिवर्तन भी होता है, चुनाव भी होते हैं, पर इन चुनावों के बीच में जिस तरह से मुद्दे आते रहते हैं और मुद्दों के बीच में जिस तरह से बयानबाजी होती है, कहीं ना कहीं ये बयानबाजी भी चर्चा बनी रहती है। बयानबाजी ऐसी कि अगर राज्य से कोई मतलब भी नहीं है, अगर किसी मामले से कोई मतलब भी नहीं है, तब भी बयान होते रहते हैं, चाहे वो मामला धार्मिक हो और चाहे वो मामला चुनावी हो। ज्ञानवापी का मामला चलता रहा तो हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे। खैर, वो तो बयान देते रहते हैं, इसलिए उनको बयानवीर कहा भी जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार बयानबाजी चलती रहती है। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी तमाम तरह के बयान देते रहते हैं समय समय पर, और इस समय भी कुछ बयान चर्चा में हैं। चर्चा में इसलिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वो है मैनपुरी का लोकसभा चुनाव, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रौढ़ा और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के 10 अक्टूबर को निधन के बाद सीट खाली हुई। संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से चुनाव होता है, चुनाव होने जा रहा है। सपा से डिंपल यादव और भाजपा से रघुराज सिंह साक के चुनावी मैदान में है। तो खतौली में भी चुनाव है और रामपुर में भी चुनाव है। रामपुर चुनाव की क्या वजह है, तो वहाँ पर तो एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है कि वहाँ पर अपने दर्द को बयां करके चीज़ें बताई जा रही हैं। अब दर्द है तो बयां हो गई और दर्द है तो सामने झलकेगा ही। फिलहाल राजनीति में दर्द की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सहानुभूति के बिना राजनीति को कैसे देखेंगे? तभी तो हमारे यहाँ के जो नेता हैं वो कोई भी घटना होती है तो वहाँ पर अपनी मोहब्बत का या अपनेपन का मरहम लगाने पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर उद्देश्य केवल एक ही होता है, राजनीति। अगर हम बात करें अपने देश के पूरे परिदृश्य की, तो यहाँ पर तमाम तरह की बातें चल रही हैं। यहाँ कोई रावण कहता है, कोई सद्दाम कहता है, तो कोई यहाँ पर हिटलर कहता है। अब हिटलर कौन है, रावण कौन है, सद्दाम कौन है, ये हमारे यहाँ के बयानवीर ही जाने। तमाम तरह के बयान आ रहे हैं। चुनाव गुजरात, चुनाव MCD दिल्ली, चुनाव हिमाचल प्रदेश और चुनाव उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव, 24 चुनाव भी आने को है। फिलहाल कुछ अच्छे बयान सुनते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अरे भाई, 70 साल में अगर हम कुछ नहीं करते तो आप लोकतंत्र नहीं पाते थे, और आपके जैसा आदमी जो आप हमेशा क्लेम करते हैं मैं गरीब हूं, मैं वो, हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है, हम तो अछूतों में आते हैं। कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता। क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या? मोदी को देख कर रोड़ दो भाई, तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, MLA इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना। समाजवादी पार्टी के लिए अब परिवार की अवधारणा बहुत संकुचित हो गई है। अब परिवार में केवल MBBS यानी मियां बीवी बच्चों सहित केवल इतने तक सीमित हो गया है, वरना आज मैनपुरी में गांव गांव गली गली जाकर के अखिलेश यादव जी हाथ जोड़ करके वोट की अपील कर रहे हैं। वो अखिलेश यादव जी आजमगढ़ में भाई धर्मेंद्र यादव के लिए चुनाव प्रचार में नहीं जाते हैं, और चाचा को तो केवल चुनावी चाचा समझ लिया है, यानी जब चुनाव आएगा तब उनकी मनुहार करेंगे और चुनाव खत्म होते ही उन्हें स्वतंत्र कर देंगे। तो ये परिवार की अवधारणा समाजवादी पार्टी के लिए बहुत छोटी हो गई है। बयान अभी मैनपुर में सभाएं हुई, वहाँ पर भी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी का नाम लिए हुए पेंडुलम की बात कही, फुटबॉल की बात कही, उसके बाद दर्द हुआ तो अखिलेश यादव ने ट्वीट के माध्यम से उस पर भी जवाब दिया। क्या पेंडुलम समय बताता है, और समय किसी का भी हो सकता है, किसी का निश्चित नहीं है। आज जो हाशिए पे है वो कहीं और भी जा सकता है। और दूसरी तरफ इस बयान पर शिवपाल यादव जो कि प्रसपा प्रमुख है, उन्होंने भी कहा कि फुटबॉल कहा गया है और फुटबॉल खिलाड़ी होता है वो वही गोल मार देता है, और यहाँ पर डिंपल यादव बड़े अंतर से जीतने वाली हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीति के कारण
पद और मानव गरिमा, ये दोनों भूल गए हैं। भूल क्यों गए, कारण क्या है, ये किसी को नहीं पता। पर सबसे बड़ा कारण यहां पर राजनीति है। ऐसी राजनीति जो मुद्दों को जन्म देती है, ऐसी राजनीति जो विकास की बात करती है, ऐसी राजनीति जो ये भूल गई है कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति उस देश की पूंजी होता है, उस देश का मूल्य होता है, उस देश की प्रतिष्ठा होता है। और जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बयानबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये देश के साथ भी हम गलत कर रहे हैं। इस तरह बयानबाजी क्यों होनी चाहिए? और बयानबाजी तो खैर मानव गरिमा के हिसाब से किसी पर नहीं होना चाहिए। हर आदमी की अपनी एक छवि, हर आदमी का अपना एक नेचर है। किसी की दाढ़ी रखने को उसको टैगोर बोलना और किसी की दाढ़ी रखने पर उसको सद्दाम जैसा कमेंट आना, मेरे ख्याल से ये भारतीय राजनीति की पराकाष्ठा नहीं होनी चाहिए। भारतीय राजनीति जिसने विश्व को तमाम आयाम दिए हैं, और भारतीय राजनीति वो है जिसके कारण वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाती है। फिलहाल इस डिबेट पर जुड़ने के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा लूं। इस महत्वपूर्ण चर्चा में बात करने के हमारे साथ मौजूद है नेता भाजपा के रूप में केसी भाई, नेता सपा के रूप में बेबी पांडे जी, मोहम्मद अखलाक भाई प्रसपा से अपना पक्ष रखेंगे और चंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे और सैयद मोहम्मद तकी भाई प्रवक्ता आपके रूप में अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर पहला हमारा जो सवाल रहेगा वो चंद्र सिंह से रहेगा। चंद्र भाई, ये क्या भाई क्या बयान है, ये रावण और हिटलर और किस तरह के बयान है? मेरे ख्याल से इन तरह बयान नहीं होना चाहिए। इन बयानों से कहीं ना कहीं पार्टी की छवि तो खराब होती है, और हम अगर बयान दे रहे हैं तो उसका लाभ क्या मिलने वाला है तो खैर वक्त बताएगा, वो तो किसी को पता नहीं है। पर मेरे ख्याल से इन बयानों से पीछे रहना चाहिए। और जिस समय राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 30 किलोमीटर लगातार चल रहे हैं प्रतिदिन, बड़ी यात्रा, 150 दिनों की यात्रा, कैसे देखते हैं आप? सुन रहे थे आपको और आपने अपनी बातों ही बातों में कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। बिल्कुल भाई। और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया किसने? कांग्रेस पार्टी ने। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर ऐसी शासन व्यवस्था रखी, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को आगे बढ़ाया जी, जिसमें एक चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। अच्छा, एक आदिवासी भी देश की राष्ट्रपति बन सकती है जी। एक ऐसी व्यवस्था को हमने जन्म दिया। और यहाँ तक कि आज देखे कि आज एक अछूत समाज से आने वाला व्यक्ति भी कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट बना। अच्छा, ये अपने आप में बहुत गरिमापूर्ण बात है जी। लेकिन जहां तक आपने बयानों की बात की और जिन बयानों पर आपने आपत्ति दर्ज कराई जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस तरह के बयानों की शुरुआत किसने की? अच्छा, 2014 से पहले भारतीय राजनीति में इस तरह के बयान कम देखने और सुनने को मिलते थे। अच्छा, 2014 के बाद से इस तरह के बयानों का जो है बढ़ावा काफी बढ़ चढ़कर देखने को मिल रहा है। अच्छा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुछ बयानों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। अच्छा, और आपके माध्यम से मैं देश प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं। 2.5 करोड़ की गर्लफ्रेंड, अच्छा, राजीव जी की विधवा, अच्छा, पप्पू, ये सब जो बयान आए हमारे समाज में। और अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी जी जैसे आदरणीय और महान लोकतंत्र के प्रहरी और प्रवर्तक, भारतीय मूल्यों और संस्कृति के इकलौते ध्वजवाहक को ये उनको चेहरे को सद्दाम से मिलता जुलता बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। अच्छा, हाँ, एक तो बात है कि 2014 से पहले जो कांग्रेस थी, हम लोगों ने ये निर्णय लिया है। अच्छा, कि हम वैसा भी नहीं रहेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे पास हमारे साथ पेश आएंगे, उनके साथ हम उसी तरीके से पेश आएंगे। अच्छा, यदि वो ईंट से जवाब देंगे तो उसका जवाब हम पत्थर से देंगे। ईंट से ईंट बजाने की जरूरत पड़ी तो ईंट से ईंट बजाने का भी काम करेंगे। और मैं एक दो बात कहना चाहता हूँ, बोल लीजिए, कि योगी आदित्यनाथ जी जब सांसद रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों का क्लिप निकालकर आप चैनल पर चलवा दीजिए और देखिए कि उसमें किस किस तरह के बयान आते थे। मुख्यमंत्री रहते हुए योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए और उनके पिता के लिए, जो भी पूर्व प्रदेश उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे हैं,
उनके लिए अब्बा जान शब्द का प्रयोग करना, अब्बा जान शब्द का प्रयोग करना क्या इंडिकेशन करता है। दूसरी चीज, कटुआ काटे जाएंगे बाप बाप चिल्लाएंगे, ये योगी आदित्यनाथ जी के सार्वजनिक कार्यक्रमों के भाषण हैं। अच्छा। एक जो हमारे ऊपर कोई हमला करेगा हम कत्लेआम करेंगे, खुली छूट है, हम प्रशासन का मुंह नहीं देखेंगे, ये योगी आदित्यनाथ जी के भाषण है। अच्छा। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में या देश की राजनीति में गलत बयानों को लेकर यदि कोई प्रश्न उठेगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता कटघरे में होंगे। हाँ, ये बात मैं इस मंच के भी माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, यदि कोई अभद्र अमर्यादित टिप्पणी करेंगे तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उसके लिए शीर्ष नेतृत्व की तरफ चेहरा नहीं देखेंगे कि इजाजत अच्छा। मिलती है कि नहीं मिलती अच्छा, है। बिना किसी शीर्ष नेतृत्व के इजाजत के ही अच्छा। हम ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं अच्छा। जो जिस भाषा में पेश आएगा हमारे नेताओं के लिए, उसके लिए हम उस भाषा में जवाब देंगे, उस भाषा में पेश आएंगे। गंदी नाली का कीड़ा, हिटलर, मौतों का सौदागर, ये कैसी शब्दावली है मेरे भाई? ये किसने शुरू किया? अच्छा, ये किसने शुरू किया आप बताइए। गुजरात के विधानसभा चुनाव में देश का गृह मंत्री सार्वजनिक मंच पर खड़ा होकर कहता है कि गोधरा में हमने जो जवाब दिया उसके कारण अभी तक गुजरात में दंगे नहीं हुए। क्या ये देश के गृह मंत्री के लिए शोभनीय है? आप इस विषय पर गंभीरता से विचार करिए। और यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक मंच से इस तरह के भाषण देते हैं तो उसके लिए इस तरह के शब्दों को कहीं से भी अन्याय अच्छा। जो है योचित हम नहीं मानेंगे, हम मानेंगे न्यायोचित है, उसके लिए इस तरह के शब्द प्रयोग होने चाहिए। सड़क पर चलते वक्त कुत्ते जमीन के नीचे आ जाते हैं, ये किसके बयान है? ये प्रधानमंत्री जी के ही तो बयान है कि जब सड़क पर हम चलते हैं तो कुछ कुत्ते जमीन पर आ जाते हैं। ये क्या बयान इंडिकेट करता है? अभी आपने एक बार फिर कह रहा हूँ जंदे भाई, अभी आपने शुरुआत में बात कही कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, मैंने शुरुआत की थी, ये किसने दिया? आप ही का कहना था कि कांग्रेस ने दिया, तो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी पार्टी आपकी है, बहुत पुरानी पार्टी है, दशकों पुरानी पार्टी है, और क्या इस तरह का बयान आप जवाबी देंगे तो इससे क्या होगा? ऐसा है कि मैं बता रहा हूँ, हमने बहुत जवाब सुने हैं अच्छा। और किसानों को सुना है अच्छा। हमारे नेता को बदनाम करने के लिए लगातार रंजिश करते रहे, लगातार साजिश करते रहे, और उन इनकी गलत बयानों का प्रतिकूल जवाब नहीं दिया, जिसके कारण हमारे प्रति समाज में एक विपरीत माहौल बन गया अच्छा। अब हमें लगता है कि ये हमारे बारे में झूठ बोलना छोड़ दें, इनके बारे में हम सच बोलना छोड़ देंगे, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता पूर्वक, कि हमारा शीर्ष नेतृत्व तो हमें गलत बयाने की इजाजत नहीं देता है, हमारे पार्टी की मर्यादा, हमारे पार्टी का अनुशासन हमें इजाजत नहीं देता है, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व तो के खिलाफ यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत दोषारोपण करेंगे, गलत बयानी करेंगे, बदजुबानी से पेश आएंगे और उनके प्रति अमर्यादित टिप्पणी करेंगे, तो हम जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने शीर्ष नेतृत्व की इजाजत की इंतजार नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। चाहे गर्मा खराब हो, इसका जवाब पत्थर से देने का कोई मतलब नहीं है, चाहे देश की गर्मा वैश्विक परिदृश्य में खराब हो अथवा ना हो, देश से कोई मतलब नहीं है। इसके बारे में उसको पहले विचार करने की जरूरत है जो सत्ता में है। आप ही बोल रहे हो, जिस रास्ते पर चलेंगे हमने दिया है, उनको उसी भाषा में जवाब मिलेगा। ठीक है ठीक है, कैसी भाई? हमारी जो जवाबदेही हम तो कर रहे हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, देश मेरा भी है, और देश की अगर सम्मान खराब होगा, गर्मा खराब होगी, तो मैं तो बयानों का पछड़न नहीं हूँ। कोई भी दे, चाहे सबसे बड़ी पार्टी दे, चाहे सबसे छोटी पार्टी दे, चाहे कोई भी दे। किसी भाई कैसे देखते हैं? देखिए गोरो जी, गोरो जी, जी जो भी बयान आया है जी, वो किसी आम व्यक्ति के बारे में बयान नहीं है जी, ना किसी पार्टी के सिर्फ लीडर के नाते, पार्टी के नेता के नाते जी उनके खिलाफ टिप्पणी आई जी। देश के संवैधानिक पद पे बैठे हुए, सर्वोच्च पद पे एक तरीके से बैठे हुए प्रधानमंत्री पद को आप इस तरीके से रावण कह के संबोधित करेंगे जी, 100 सिर वाला रावण कहेंगे
और उसके बाद सोचेंगे कि जनता आपका साथ देगी। इसके पहले कांग्रेस इस तरीके के ट्रायल करके देख चुकी है। जनता कभी भी इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की गाली गलौज, इस तरीके की टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। 2007 के चुनाव में सोनिया गांधी जी की जब टिप्पणी आई और उन्होंने मौत का सौदागर कहा, उसके बाद में गुजरात के चुनाव के परिणाम बिल्कुल बदल गए और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत वहां पर हासिल हुई। उसके बाद में जब 2014 के इलेक्शन होने थे लोकसभा के, तब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। 2013-2014 में इनके बहुत सारे नेताओं के तमाम सारे बयान आए, किसी ने मौत का सौदागर कहा, किसी ने कहा कि दलाली, मौत की दलाली कहा, और भी तमाम सारे ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी पर, मोदी जी पर किए गए। उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे लेकिन एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर थे जी। उसके बाद में 2013 और 14 में जब तमाम सारे बयानबाजी हुई, उसका परिणाम क्या हुआ कि कांग्रेस 60 सीटों के अंदर लोकसभा चुनाव में सिमट करके रही। फिर उसके बाद में भी जब जब चुनाव हुए, चुनाव में जो इनके बयानवीर रहे और खास करके मोदी जी को टारगेट करके जो अनाप शराब टिप्पणी की गई, जनता ने बिल्कुल उसका माकूल जवाब दिया। तो देखिए, चुनाव अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है, राजनीति में तमाम सारे दल है, आते हैं जाते हैं, चुनाव आता है खत्म हो जाता है, 5 साल के बाद फिर वो चुनाव आता है। लेकिन ये जो इस तरीके की टिप्पणियां होती है गौरव जी, ये बिल्कुल जनता भूलती नहीं है। आज तमाम सारी टिप्पणियों को दोहराया जा रहा है, चर्चा हो रही है कि कब किसने क्या कहा। अगर इस तरीके की बयानबाजी नहीं होती तो टिप्पणियां क्यों दोहराई जाती? अच्छा। और फिर उसकी इंटेंसिटी 100 गुना 1000 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उसके साथ में जिन लोगों ने भी इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की टिप्पणियां की प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, जब जब इस तरीके की टिप्पणियां हुई, किसी ने उनको नीच कहा, प्रियंका गांधी जी ने कहा कि ये नीच है, और उसके बाद में क्या परिणाम हुए? जब ये 2019 के इलेक्शन थे लोकसभा के, उसके पहले प्रियंका गांधी जी ने जगह पे कहा कि बहुत नीच व्यक्ति है, मोदी जी ने उसको स्वीकार कहा कि हाँ, मैं नीच हूँ, मैं नीच जा चुका हूँ, और जनता ने और भारत देश के संविधान ने हमको इस पद पे बैठाया, नहीं आप लोग तो कोई बैठने नहीं देते। सिर्फ और सिर्फ एक खानदान की पहले नाना हुए, फिर माता जी हुई, फिर पिताजी हुए, उसके बाद में जो है परिवार के और लोग को आप देख रहे थे प्रधानमंत्री बनने का। लंबे समय तक परिवार, एक परिवार जो है एक राजतंत्र जैसा लगता है कि भारत देश में अभी हमारे कांग्रेस के साथी लोकतंत्र की, संविधान की और भारत देश की संप्रभुता की बधाई दुहाई दे रहे थे, लेकिन उनकी दुहाई किस काम की? जब आपने उन्हीं सारी चीजों को खंडित किया, वो वैसे ही है ना कि एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने ही कहा था कि न्यायालय क्या न्याय उसी तरीके से है, 5-स्टार होटल की तरीके से है कि उसके दरवाजे खुले तो सबके लिए है, लेकिन जिसकी हैसियत नहीं है वो वहां तक दरवाजा खटखटा नहीं सकता, उस दरवाजे में प्रवेश नहीं कर सकता। ये एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की एक टिप्पणी थी इस तरीके की। तो वैसा ही कांग्रेस ने किया कि भारत देश का संविधान है तो सबके लिए, हर कोई बन सकता है, लेकिन बनने नहीं दिया, अपनी ही पार्टी के किसी व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, केवल और केवल पिछलग्गू बनाए रहे और वो या तो टाट पट्टी बिछाते रहे या झंडा लेकर के पीछे, झंडा बरदार बन के पीछे घूमते रहे, और जिसने भी हिमाकत की, आगे हरी की, या तो वो दुनिया में नहीं रहा, वो पार्टी में नहीं रहा, या उसका क्या असर हुआ सबने देखा, और उसमें तमाम सारे लोगों के नाम आए। इन्हीं की पार्टी में जब एक व्यक्ति अपना नामांकन करने का प्रयास करता है, उसका क्या असर होता है? जिसको कहते हैं कि साफ सुथरा चुनाव है, हर कोई नामांकन कर सकता है, हर कोई अध्यक्ष बन सकता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरीके के, जिसको पूरा भारत देश हीन और गिरी हुई दृष्टि से देखता है, और दशहरे के दिन जो रावण हर बार जलाया जाता है, भगवान राम की पूजा होती है, भगवान राम के को अपना आराध्य मानने वाले माननीय मोदी जी, जिन्होंने अभी लू पूजन भी किया अयोध्या में, और अयोध्या की लड़ाई में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे रही कि वहां पे भगवान राम का भव्य मंदिर बने, और कहीं ना कहीं अपने
अपने मैनोफेस्टो में भी उसको लेकर के आई भारतीय जनता पार्टी कि हम राम मंदिर के समर्थन में, आप ऐसे व्यक्ति को उसके जस्ट विपरीत रावण की संज्ञा दे रहे हैं। आपको क्या लगता है इससे वोट बैंक आपका हो जाएगा, आप गुजरात का चुनाव जीत जाएंगे? और वो भी ऐसा व्यक्ति कि खड़गे जैसा व्यक्ति जो कि कांग्रेस का इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ऐसा पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी व्यक्ति, तो ये पूरा के पूरे कांग्रेस तो रहे हो चलने से क्या तो रहे, जैसी भाषा में आप जवाब दोगे वैसी भाषा हम जवाब देंगे। देखिए इस तरीके की, देखिए गौरव जी ये तो अपनी जब भी गलतियां होती हैं तो सामने वाला अपने बचाव में यही कहता है कि भाई सामने वाले ने दो थप्पड़ मारे थे तो पलट के हमने भी एक मार दिया। लेकिन जब चीजें सारी की सारी सामने हैं, जब इस तरह कोई टिप्पणी नहीं है, क्या मोदी जी ने इस तरह कोई टिप्पणी की खड़गे जी पर या राहुल जी पर या सोनिया गांधी जी पर या आपके परिवार के किसी व्यक्ति पर नहीं की? और उसके बाद में देश के एक प्रधानमंत्री के ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हैं, वो मोदी जी पर टिप्पणी नहीं है, वो टिप्पणी एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा को आप गिरा रहे हैं, जिस संविधान की आप दुहाई दे रहे हैं, जिस संविधान ने एक पद का सृजन किया है, कहा भी गया है ना क्राउन इज नेवर डेड ओनली किंग इज डेड, यानी कि राजमुकुट कभी नहीं मरता है, पद नहीं मरता है, उस पे बैठा हुआ व्यक्ति मरता है। तो आप उस पद की तो गरिमा बना के रखिए, आपने तो उस पद की गरिमा जो है जवाब लेता हूँ चंदेश भाई, हमारे साथ बेरोजगारी और गरीबी बढ़ा दिया, देश में कहीं लक्ष्मी दिख नहीं रही है, तो ये रावण ही तो कहा जाएगा। रावण जी ने लक्ष्मी का हरण किया था सीता के रूप में, लोकतंत्र का हरण किया था, मर्यादा का हरण किया था, आज मोदी जी वही तो कर रहे हैं। उनके लिए रावण शब्द का प्रयोग करना कहीं से निरर्थक नहीं है, निश्चित रूप से वो रावण के समानार्थी है। उन्होंने जिस भी इन्होंने रोजगार का हरण कर लिया, इन्होंने देश में बेरोजगारी बढ़ा दी, लोकतंत्र का हरण कर दिया, भारतीय मूल्य परंपरा और संस्कृति का हरण कर लिया, तो हरण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, उसे रावण ही कहा जाएगा। संदेश भाई किस व्यक्ति बोल रहा है, पढ़ाया गया जब तक कांग्रेस रही है, पढ़ाया गया कि भगवान राम काल्पनिक है, भगवान राम जी को जीवी नहीं है, राम सेतु काल्पनिक है, राम सेतु को तोड़ने के लिए पूरा अभियान चला दिया, और आप कह रहे हैं मर्यादा, कैसी मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कुछ नहीं मानता है, आप आज आपको मर्यादा याद आ रही है, केवल और केवल तुष्टिकरण की नीति करते रहे आप, और गजब भी आज देश में गरीबी बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। ठीक है परंपराओं का लगातार हरण, हमारे इन्होंने रोजगार का हरण कर लिया, इन्होंने चलो ठीक है बढ़ा दी, राजनीति में ही बचा है, हमारे देश की राजनीति ही बचा है, होगा ना तो ठीक है, रावण विभीषण लंका ही बोला जाए, ठीक है खड़गे साहब के बयानों का समर्थन, चलो ठीक है आप भी ठीक है आप भी देते रहे, ठीक है। हमारे साथ विवेक पांडे भाई मौजूद है, विवेक भाई ये कैसी राजनीति है भाई, कैसे देखते हैं आप भाई, यहाँ पेंडुलम भी बोला जाता है, फुटबॉल भी बोला जाता है, यहाँ बोल रहा है कि अब्बा जान बोल दिए, यहाँ पर रावण ही बोला जा रहा है, सद्दाम भी बोला जाता है, गंदी नाली का कीड़ा, क्या शब्दावली है, सबसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और शब्दावली ऐसी कैसे कहेंगे आप? देखिए पूरे मंच को पहले तो सहृदय धन्यवाद देते हुए जी मैं अनुमोदन के साथ अपनी बातों को रखने की अभिव्यक्ति चाहता हूँ जी। देखिए राजनीति में जिस तरीके से आज बदलाव आप देख रहे हैं गौरव भाई, और सबसे बड़ी बात है भाषा की मर्यादा। अच्छा तो कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि 8 सितंबर से 2014 से 3 मई 2022 तक अच्छा भाजपा की आईटी सेल ने बयान खंगाले थे अच्छा जो कि इनके नेतृत्व के निर्देशन पे किया गया था अच्छा जिसमें 5200 बयान गैर जरूरी अच्छा और उसमें 2700 बयानों को असंवेदनशील माना गया जो धार्मिक आधार पे, उसमें 38 नेताओं की लिस्ट बनाई गई और 27 को हिदायत दी गई कि बिना पार्टी से पूछे किसी भी तरह का धार्मिक बयान देने से पहले आपको पार्टी से अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक तो चलिए एक अच्छा कदम है बिल्कुल, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं आपको भी समझनी पड़ेगी, हमको भी समझनी पड़ेगी एक राजनीतिक दल होने के नाते, चाहे वो मैं हूं चाहे लोग बैठे हैं जो मंच पे सम्मानित लोग बैठे हैं, कि राजनीति में जिस तरीके की बयानबाजी आज चल रही है इसका सबसे बड़ा जड़ीय कारण क्या है? क्या आपके पास विकास के मुद्दे नहीं है? क्या आपके पास बेरोजगारी की बात नहीं है? भाजपा की बात करें तो आपने अगर इतना काम किया तो आप अपने विकास के मुद्दे
या रोजगार से जुड़े विषय आप लोगों के सामने रखने की जगह पे जिस तरह के अनर्गल बयानबाजी करते हैं, मुझे लगता है इससे भी बचने की आवश्यकता है। भाई 2012 से जो परिपाटी शुरू हुई है भाषणों की, अच्छा, अनर्गल बयानों की, अच्छा, अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो यहां मुझे लगता है सभी राजनीतिक व्यक्ति हैं, हाँ। 2012 से जो एक परिपाटी शुरू हुई जब, अच्छा, करोड़ों की गर्लफ्रेंड एक, अच्छा, शब्द आया था, अच्छा, उसके बाद से जिस तरीके से अमर्यादित बयानों की एक परिपाटी लंबी फेरिस शुरू हुई है, मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं हर राजनीतिक दल के प्रवक्ताओं को, हर राजनीतिक दल को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी थी इस देश के अंदर, पार्लियामेंट्री शब्द, अच्छा, आप पार्लियामेंट्री शब्द किसको मानेंगे? अगर कोई रोजगार की आवाज उठाए तो कुछ दिन पहले जो प्रधानमंत्री जी के उनके प्रति बयान आए थे, क्या आप उसको पार्लियामेंट्री मानेंगे? क्या उसको संवैधानिक मानेंगे? क्या उसको नैतिक दायरे का मानेंगे? मैं नेतृत्व की बात केवल इसलिए कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं जब आप नेतृत्व के ही दायरे से बाहर निकल जाते हैं तो आपके पीछे जो आपके समर्थक है वो तो आलोचक होंगे, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात पे आते हैं, आज इस मंच पे बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं जैसे सभी का सम्मान है, लेकिन आज बाबा रामदेव ने एक बयान दिया है, अच्छा, मैं तो इंतजार कर रहा था कि जो महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही थी, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जा रही थी, जो महिलाओं को समान धारा में जोड़ने की बात की जा रही थी, और सबसे बड़ी बात है जो महिला सुरक्षा के लिए वुमेन पावर लाइन, जो क्विक रिस्पांस टाइम, उसके बाद पिंक बूथ, बहुत सारी योजनाएं जो क्रियान्वित की जा रही थी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी तक बाबा रामदेव पे FIR तो हुई गई होगी। अगर नहीं हुई है तो चलिए जानकारी दे देता हूं कि मैं तो खुद गाजीपुर थाने के थाना प्रभारी के नाम एक FIR की कॉपी देकर के आया हूं, अगर वो दर्ज कर ले, क्योंकि भाई बाबा रामदेव का मामला है और कहीं ना कहीं भाजपा की मोटी साठगांठ और कहीं ना कहीं फंडिंग का बहुत बड़ा सोर्स है वो, तो अगर महिला सशक्तिकरण या बयानों के स्तर से ऊपर उठना है तो ये तो मैं बोलता हूं कि KC जैन भाई आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है, आप स्वयं को साबित करके सारे मंच को झुटला दीजिए। आज बाबा रामदेव पे आदित्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार तुरंत FIR करे, कॉपी तो मैं दे ही आया हूं, एप्लीकेशन शिकायत पत्र तो मैं दे ही आया हूं। तो मुझे लगता है कि देखिए केवल बातों से अगर संविधान का पूरा प्रारूप कहीं अगर अपनी अपने आकार को स्वरूप सार्थक कर लेता तो यहां पे केवल बयानबाजी का दौर नहीं चलता। यह बात सत्य है कि आर्टिकल 19 जो है वो कहीं ना कहीं आपको अभिव्यक्ति की आजादी देता है, 21 जो आपको दही का, वही मैं आ रहा हूं, हाँ। आर्टिकल 19 आपको भाषा की अभिव्यक्ति की आजादी देता है, हाँ। लेकिन किसी के चरित्र हनन की आजादी नहीं देता है, बिल्कुल, किसी की मर्यादा का शील भंग करने की आजादी नहीं देता है, किसी को सामाजिक रूप से इस तरह मानसिक उत्पीड़न के दायरे में मानसिक हनन करने का उसका उसकी आजादी नहीं देता कि वो अवसाद में चला जाए। लेकिन जब आपके अपने इस तरह के बयान देते हैं और आप उस पर कटाक्ष करके केवल उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे तो यह परंपरा बनेगी। अभी देखिए कांग्रेस के हमारे जो आदरणीय बैठे हैं उन्होंने एक बात कही, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूं, अच्छा। वो ये है कि आप अगर किसी का अपमान करेंगे तो आलोचना सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए, अच्छा। मेरा यह कहना है आप सत्ता पक्ष है, आप सत्ता पक्ष है, आपका आपकी जिम्मेदारी बनती है, कोई सत्ता पक्ष, कल को मैं हूं चाहे तकी भाई बैठे हैं चाहे कांग्रेस के लोग, जो सत्ता में होता है उसकी जिम्मेदारी नैतिक होती है कि कम से कम वो सारे दलों को सम्मान पूर्वक अपने साथ लेकर के चले। लेकिन जो पिछले 8 साल 9 साल से हम लगातार परिपाटी देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि विपक्ष कहीं भी सरकार के सामने खड़ा होने योग्य भी बचा है? कारण उसका है, अब मैंने क्यों कहा योग्य बचा है, क्योंकि आपने कभी विपक्ष को वो स्थान और वो सम्मान नहीं दिया। आपने कई कानून ऐसे पास किए सदन में जिसमें विपक्ष से आपने पूछना तक जरूरी नहीं की, चर्चा, हाँ। तक जरूरी नहीं समझी। सबसे बड़ी बात, संवैधानिक संस्थाओं को जिसके दायरे में जो हमारे उद्योग लगे थे सरकारी, उनको आपने बेचने का काम किया, वो एक तरफा निर्णय था, वो चाहे कोई राजनीतिक दल हो, हर राजनीतिक दल ने उसकी खुल करके आलोचना की, लेकिन आपके कानों पर जू ना रहेगी। और आज जिस भाषा की मर्यादा की हम बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है KC जैन जी डिफेंड करना, देखिए हर राजनीतिक प्रवक्ता के अब दलों का अपना धर्म होता है, लेकिन भाई बयानों की लंबी फेरिस्त तो मेरे पास भी है, किसने क्या बयान दिए भाई, करोड़ों की गर्लफ्रेंड से लेकर के जिस तरीके से सुंदरता निहारी जा रही थी, जिस तरह से महिलाओं के मुद्दे पे अब मेरी बात सुन लीजिए, अब देखिए मैं आज शांति से सुन रहा था, मैं फिर बोलने नहीं दूंगा, फिर आप बोलेंगे मैं बोलने नहीं देता। शरद यादव जी को भूल गए क्या आप? निर्मल बैरागी को भूल गए क्या, जिन्होंने कहा था कि सृष्टि की शुरुआत ही रेप से हुई है? क्या बात करेंगे बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कुलदीप वाष्णेय, जिन्होंने कन्हैया की जीप काटने पे इनाम रखा था, उस समय आपकी बोलती कहां चली गई थी? अभी आपके कुछ दिन पहले सांसद वर्मा जी ने मुस्लिमों का खुला आर्थिक बहिष्कार करने की बात की, आपने कौन सी कार्रवाई की बताइए ना आप?
बताइए ना आप मुझे, मैं तो पूछ रहा हूँ बयानों की बात हो रही है, आप चुनाव पे चले आए क्योंकि आपका एकमात्र एजेंडा चुनाव लड़ना है, आपको विकास की बात नहीं करनी है, आपको रोजगार की बात नहीं करनी है, यूपीएसआई स्कैम की बात नहीं करनी है, भाई 2021 के स्कैम में किसका सरकार ने भ्रष्टाचार किया और रामदेव के मुद्दे पर आपकी बोलती बंद है, भाई मैं तो कह रहा हूँ किसी जैन भाई मुझे गलत साबित करिए, रामदेव के ऊपर एफआईआर करवाइए, रामदेव के ऊपर एफआईआर कराइए, आप अपनी घर की बहन बेटियों को कैसे देख सकते हैं भाई, जिस तरीके का अश्लील वक्तव्य उस व्यक्ति ने दिया, क्या आप उसको संत मानते हैं, क्या आप उसको संत मानते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, हमने तो वो आदर्श संत देखे थे, राम बाबा को देखा हमने, हमने आचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी को देखा, हमने एक से एक आचार्य संतों का संत देखा, आपको बाबा रामदेव को डिफेंड कर रहे हैं, आपको बाबा रामदेव को डिफेंड कर रहे हैं, अरे कहाँ गई स्मृति ईरानी जी, स्मृति ईरानी जी के बाबा रामदेव पे दो शब्द ना निकले, क्या बात करेंगे आपको, दोहरा चरित्र और दोहरी मानसिकता, केवल राजनीति के माध्यम से चंदे लेना, केवल चंदे वसूलना और उसके बाद केवल चुनाव जीतना, इसके अलावा भाजपा का कोई विवाद नहीं है, मैं पूछता हूँ जिम्मेदारी से, कल आपने राहुल गांधी जी का एक ट्वीट स्मृति ईरानी का देखा, आज रामदेव के मुद्दे पे स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया क्या, बताइए आपने रामदेव के मुद्दे पे स्मृति ईरानी का एक ट्वीट आया, एक शब्द आया, वो पूछने गई थी गुजरात, मैं उनसे पूछता हूँ लखनऊ से कि क्या आपने रामदेव के ऊपर एक्शन की कोई बात की, बताइए बाबा रामदेव के ऊपर क्या भाजपा के किसी एक नेता ने कोई टिप्पणी की, और उस मंच पे आसीन भाजपा नेता जो बैठे थे क्या आपने उनके ऊपर कोई गाइडलाइन कोई बताइए ना, कैसी जैसी अपने बगले झाके कॉलर में झाके पहले बोले बाबा रामदेव पे एफआईआर होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी बाबा रामदेव का मंच नहीं है, उनका मुद्दा नहीं है, बताइए ठीक है ठीक है, बाबा रामदेव पे एफआईआर होनी चाहिए, बाबा रामदेव होनी चाहिए कि नहीं, मैं रामदेव का प्रवक्ता नहीं हूँ, बाबा रामदेव का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, आपकी है ना, उनसे पूछिए उनका जवाब, मैंने एफआईआर का जवाब उनसे पूछिए दिया है, बताइए क्या कार्रवाई हुई, बताइए क्या कार्रवाई हुई, करो भाई पूछिए आप इनसे, कानून व्यवस्था पे अभी उनसे डिबेट करवाइए, आपने पूछिए पूछिए एफआईआर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होती, पूछिए खास करके भाजपा को जो चंदे देते हैं उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं होती, भाजपा समर्थकों में क्यों नहीं एफआईआर होती, पूछिए आप इनसे, हो गया हो गया रही है, ठीक है मुजफ्फरनगर दंगे में आपने विधायक को दोषी माना गया, क्या अरे कैसी भाई आपने विधायक को मुजफ्फरनगर दंगे में दोषी माना, अरे मुजफ्फरनगर दंगे में आपके विधायक को दोषी माना, अरे पढ़ के आया कैसी भाई, अरे पढ़ के आया कीजिए, जुमलेबाजी मत कीजिए, जुमलेबाजी मत कीजिए, मुजफ्फरनगर दंगे में आपका विधायक दोषी माना गया, कोर्ट ने दोषी करार दिया और आप बात कर रहे हो मुजफ्फरनगर दंगे की, दंगे आप कराओ, दंगों दंगाइयों को सदन में आप उठाओ और उसके बाद बात सवाल हम पे खड़े करो, ये तो और एक वही है, ठीक है ये तो और एक मुद्दा आपने छोड़ दिया, परिवार की बात करेंगे, अरे जिनको परिवारों से सरोकारी, आज परिवार की बात करने वाले उस समय कहा थे, आज परिवार की बात करने वाले उस समय कहा थे जब हजारों सैकड़ों मजदूर पैदल चले आ रहे थे दूसरे प्रांतों से कोविड के समय, बसे खड़ी थी आपने चले आ रहे हैं, की सरकार है, हो गया हो गया, आज भी समाजवादियों की सरकार है, बस सरकार है, बस सरकार है, और न नैतिकता रखती है, न परिवार के साथियों को मानती है, न धर्म को मानती है, आप कितने बाज है, आचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के मृत्यु पे एक दिन का राष्ट्रीय शोक नहीं हुआ, ईरानी मरती है, हो गया हो गया भाई, हो गया बाकी मेहमान भी हो गया, केसी भाई विवेक भाई प्लीज, हो गया हो गया हो गया, दंगाइयों के संरक्षक पोषक, हो गया हो गया संरक्षक, अरे वाह सरकार आपकी संरक्षण दे रहे थे, कश्मीर में किसने दंगाई को टिकट दिया, कश्मीर में दंगाई को टिकट किसने दिया, कश्मीर में दंगाई को टिकट किसने दिया, अरे बाकी कश्मीर में निकाय चुनाव में दंगाई किसका प्रत्याशी था, कश्मीर के निकाय चुनाव में पूरी दंगाई किसका प्रत्याशी था, बताइए बताइए सार्वजनिक मंच पे कैसी बात, बताइए ना, स्वीकार करते समय बोलती बंद हो जा रही है, बताइए पीडीपी के साथ सरकार क्यों बनाई, पीडीपी आतंकवादी संगठन है, पीडीपी तो अलगाववादी संगठन है, जवाब नहीं है, अरे जवाब आप दीजिए, सत्ता पक्ष के आप लोग जवाब आप देंगे, और पिछला कौन बात कर रहा है, क्योंकि आप कभी सपा में कभी भाजपा में क्या बात करेंगे, कैसे उठाने लगे कांग्रेस की,
कांग्रेस की दरी उठाने के लिए तैयार है समाजवादी पार्टी। अच्छा, लेकिन शिवपाल जी उनको स्वीकार नहीं है। आज शिवपाल जी की बात नहीं कर रहे, अभी तक चाचा बहुत पसंद है, लेकिन जैसे ही चाचा ने परिवार को पकड़ा वैसे ही सुरक्षा घटा दी। अरे कितनी अच्छी राजनीति करेंगे आप लोग, अरे कितनी अच्छी राजनीति करेंगे, कितनी अच्छी राजनीति करेंगे। इसके ऊपर भी बढ़िए, अरे इसके ऊपर भी बढ़िए भाई, इसके ऊपर बढ़िए। सीबीआई ईडी क्या चाचा के ऊपर भी आएंगे? अरे केसी भाई एक सवाल पूछता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ, क्या चाचा के ऊपर ईडी सीबीआई आएगी क्या? अरे बताइए ना, ईडी सीबीआई चाचा के लिए भी तैयार बैठी है क्या? भेज दीजिएगा, चाय पानी नाश्ता सब कराएंगे, भेज दीजिएगा। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। अरे कम से कम कांग्रेस की अच्छी स्थिति में है, हो गया होगा। कांग्रेस से ज्यादा विधायक है आपके पास, बाकी में फिर भी आप आपकी राजनीति का इस्तेमाल कांग्रेस भाई ये जी। दिल बड़ा करिए, भारत को लेके चलने के लिए हो गया हो गया। इस स्तर से राजनीति कर पाएंगे? हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। हमारा दिल बड़ा करिए, ठीक है, हमारा सर बम्बई को दिल बड़ा करिए। कैसी बात हो गया हो गया कि कांग्रेस से गोद में कैसी भाई, कैसी भाई रावण करने, ठीक है ठीक है, रावण प्रधानमंत्री को रावण कहने वाले का समर्थन समाजवादी पार्टी कर रही है, गजब है। ठीक है ठीक है हो गया। हम इजाजत चाहेंगे, थोड़ा सा हमें एक डिबेट पर जाना है जी, बोलिए। तो आपकी इजाजत की रिक्वायरमेंट है भाई, दो मिनट रुक जाइए, थोड़ा और चर्चा रही है, अभी समय बाकी है, डिबेट पर एक जाना है अभी। जी 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 बिल्कुल। इकलाक भाई, भाई आप पर कल बयानबाजी हुई थी पेंडुलम फुटबॉल की, और आज शिवराज सिंह यादव ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि डिंपल यादव जीत रही है और फुटबॉल खिलाड़ी बढ़िया खिलाड़ी होता है, कभी कभी गोल भी कर देता है। और जिस तरह से कल अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर अपनी दर्द को या अपनी गुस्सा को जाहिर किया था, कैसे देखते हैं आप शिवपाल सिंह यादव के बयान जी? क्या करते ये तो आने वाला वक्त बताएगा जी। पकड़ी पलट देता है ये माननीय, यहाँ पर राकेश त्रिपाठी चुनावी चाचा बोल रहा है उनको, राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता बोल रहा है चुनावी चाचा है, वो चुनाव होते आ जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, बॉल जिस तरफ जाती है जिस पाले में जाती है जीत उन्हीं की होती है। अच्छा, देखिए अब राकेश त्रिपाठी जी क्या बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बताते हैं, हाँ। ये लोग हिसाब से जो होता है ये खम्मा लोटने काम ये लोग करते हैं। अच्छा, सही बात, चुनाव की चुनाव लड़िए आपका स्वागत है, आप मैनपुरी में चुनाव लड़िए आपका स्वागत है, आप जब रामपुर में लड़िए, आप जहाँ चुनाव लड़िए। अच्छा, इस तरह की बयानबाजी लोकतंत्र पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा है, संविधान के विरुद्ध ये सब बयानबाजी है। किसके खिलाफ आप बयानबाजी दे रहे हैं? माननीय विधायक हैं इस वक्त जसवंत नगर के, माननीय पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, अरे प्रधानमंत्री बयान में क्या बोलेंगे, समर्थन देंगे क्या? आप किस बारे के बयानबाजी कर रहे हैं? मैं कहता हूँ चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे विधायक हो, अरे प्रधानमंत्री को रावण बोला जाए तो क्या कहेंगे आप, सही बोला जा रहा है भाई? मैं क्या कह रहा हूँ, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या देश के छोटे ही ऐसे कोई ना क्यों ना हो जिनको जनता चुन के भेजती है, सम्मान इज्जत सबकी करना चाहिए। अच्छा, इस तरह के बयानबाजी से सबको बचना चाहिए जी। आप चुनाव लड़िए, चुनाव के मुद्दों पे लड़िए, मुद्दे नहीं है तभी तो इस तरह की बयानबाजी होती है। आप मुद्दे लड़िए, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे करल में, उनका स्वागत है जी। अरे अपनी योजनाएं गिनाते, मैं भी खुश होता कि हाँ 6.5 सालों में ये काम मुख्यमंत्री जी ने करल में किया है। अच्छा, आप आके क्या बयान देके जा रहे हैं, चाचा को बोल के जा रहे हैं? अरे साहब इंतजार करिए, ये मैनपुरी की धरती है, ये वो मुंह से नहीं ये वोटों से जवाब। उन्होंने ये तो कहा कि उनको पता नहीं कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, चुनावी समय में चुनावी चाचा याद आते हैं, कहीं पेंडुलम हो जाते हैं, तो स्थिति तो अभी मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद तो स्थिति यही रही थी, तमाम तरह के बयान उस समय भी आए थे, अभी थोड़ा सा जरूर यहाँ पर पैचअप हो गया है। जब परिवार एक नहीं था, पार्टी एक नहीं थी, तो सबसे ज्यादा तकलीफ बीजेपी वालों को होती थी। फिर आप बीजेपी पे आ गए, मेरे को क्या तकलीफ है? वो चाचा का सम्मान नहीं करते हैं, आपके ही साथ कई डिबेटों में बैठा, उन्होंने कहा चाचा का सम्मान नहीं करते, तो बीजेपी सम्मान नहीं करती है? परिवार एक है। अच्छा, सारे लोग एक है, तो पेंडुलम और फुटबॉल बनाया जा रहा है। अच्छा, तो देखिए इंतजार करें, बीजेपी के लोग भी इंतजार करें। अच्छा, सत्ता में ऐसा नहीं कि जनता हमेशा ही रखेगी, जनता मुद्दे पे काम करिए तब सत्ता में रखने का आपको काम करती है, कब तक इन तरह की बयानबाजियों से आप सत्ता में रहेंगे? अच्छा, जिंदगी भर रहेंगे? अच्छा, जब जनता के लिए काम करेंगे तब आप सत्ता में रहेंगे, तो जब सत्ता से आप जाएंगे क्या आप मुंह दिखाएंगे लोगों को? अच्छा, सामने तो बहुत सी चीजें हैं, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा इंतजार करें, मैनपुरी की जनता वोटों से अपना जवाब देने का काम करेगी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोलने काम करेल की जमीन पे किया है। अच्छा, रामपुर खतौली में जहाँ पर आजम खान पर दर्द बयां कर रहे हैं,
आजम खान साहब लगातार प्रचार में हैं, आदरणीय अखिलेश यादव दर्द बयां कर रहे हैं भाई, प्रचार तो कर रहे हैं, दर्द बयां कर रहे हैं। जो दर्द जो पीड़ा उन्होंने 27 महीने से झेली, इस तरीके से तो माननीय विधायक को तो सपा वाले देखने भी नहीं गए उनको। बकरी चोरी भैंस चोरी के मामलों में जेल में रखा, अच्छा जमीने कब्जाने के मामले में रखा, रहे आप जांच कराते काम कराते, जिस परिवार पे 151 का मुकदमा ना हो उस परिवार पे 92 मुकदमे अचानक से लग जाएं गौरव भाई, अच्छा। सोचने का विषय है, ये आपके लिए भी हमारे लिए और उत्तर प्रदेश की जनता सब कुछ देखती है, अच्छा चाहे छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, समझ में नहीं आता जैसे रामपुर और आजमगढ़ दोनों चुनाव अब हार जाते हैं, लोकसभा का हार गए, समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, ठीक है जनता समझ नहीं पाती है, रामपुर में लोकसभा चुनाव हुआ था वो भी सपा हार गई, खैर कोई बात नहीं, आने समय चुनाव है तमाम चीज सामने होगी। तकी भाई, भाई आप भी इस समय बिल्कुल चर्चा में बने हुए हैं, चाहे दिल्ली की बात करें, मसाज की बात करें, चाहे फल फ्रूट की बात करें और चाहे गुजरात के चुनाव की बात करें, पूरा इस समय बिल्कुल मुस्तैदी से चुनौती देते नजर आ रहे हैं और बयानबाजी आपके यहाँ से भी होती है, कभी फोटो लगाने की बात होती है तो कभी कुछ बात होती है, कैसे देखते से बयानबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे देश की जो प्रतिष्ठा है उसके लिए तो ये यहाँ पर नुकसानदेह है, क्या होनी चाहिए, कैसे देखते बयानों को? देखिए मुझे देख के बड़ा दुख होता है, जिस देश पे धरती पे इतने साधु संन्यासियों ने जन्म लिया, हाँ। जो संस्कृति 5000 साल पुरानी है, वो आज के दौर में एक दूसरे से बातचीत करने का सही तरीका नहीं ढूंढ पा रही, अच्छा। जहाँ कबीरदास ने जी कहा ऐसी वाणी बोलिए मन को, ऐसा वाणी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को भी शांति खुदो शीतल हो, ऐसा एक दुआ मेरे मन में निकल गया, तो वहाँ शांत रहने की बात कही है कि आप शांत रहिए, ऐसी वाणी बोलिए कि लोगों का दिल शीतल हो, लोगों को सुकून मिले, शांति मिले, वहाँ इस तरह की बात हो रही है तो ये बड़ा दुख होता है मुझे। और बीजेपी का जब से हमने देखा बीजेपी में जो इतने बेतुके बयान देता है उसको उतने ही बड़ा पदाधिकारी बना दिया, अच्छा। दिया जाता है, उसको उतने ही ऊपर ले जाया जाता है, अच्छा। ये बीजेपी हमने कई बार देखा, जो भी लोगों ने यहाँ राजनीति जमीन बनाई है, हाँ। वो विवादित बयानों से ज्यादा बनाई है, किसी बड़ा मुस्कुरा रहा है, अपने कामों से अपने कर्मों से अपने अपने आप को साबित करके अपने आप को साबित करके नहीं बनाए, खड़गे जी के तो आप छोड़िए, आप समाजवादी पार्टी, आप देखिए बीजेपी के अंदर साक्षी महाराज, प्राची, सामित पात्रा, नुपुर शर्मा, राजा सिंह, योगेंद्रनाथ, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश शर्मा, मोदी जी, अमित शाह, ये जो लोग इन्होंने जो राजनीतिक जमीन बनाई है, पृष्ठभूमि बनाई है, ये सब विवादित बयान दे के ही बनाई है, और इनका कहना है कि ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, देखिए मैं आपके बोलने में बीच में नहीं बोला था, आप चुपचाप बैठिए, मैंने आपके बोलने बोला था, आप बकवास कर रहे थे, इसे बोला था आपसे, आप दूसरे की बात सुन नहीं पाते, रोहतक की हत्या की तरह लगातार आप लोगों को आपको बताया नहीं है, एक मिनट बोला नहीं बोले कभी से आप, अरे आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, आप सुन नहीं पाते, आप भगोड़े लोग हैं, आप डरपोक लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी देश की नंबर वन डरपोक पार्टी है, वो डरती विपक्ष से, वो डरती विपक्ष से, इसलिए समाजवादी पार्टी में लड़ाई लगाई, आज की दौर में हर पार्टी के अंदर लड़ाई लगाने लगते हैं, हर पार्टी को छोड़ने लगते हैं, अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे, ये डरपोक लोग हैं नंबर के, भारतीय जनता पार्टी ने जितना भ्रष्टाचार किया है उतना भ्रष्टाचार 70 साल में किसी ने किया, उतना तो अंग्रेजों ने लूटा, कितना उन्होंने 8 साल में देश को लूट लिया, कितना पैसा ले गए फॉरेन में, यहाँ इन्होंने लूटा है, हर संस्था को भेज दिया, प्रधानमंत्री जी एक ऐसे मार प्रधानमंत्री है जिन्होंने पिछले सालों में एक भी एक संस्था को नहीं बनाया, एक PSU नहीं बनाया और सारे PSU भेज दिए, और उसके बाद भी देश घाटे में चल रहा है, जब इतना PSU भेज डाले आपने, इतना पैसा निकाल लिया बैंकों को, भेज डालने आप सब पैसा ले जा रहे हैं, पैसा जा कर रहा है, जनता बोल के पैसा कहाँ जा रहा है, बीजेपी के खाते में जा रहा है, किसके खाते में जा रहा है, पर्चा ला पाए जनता बोली बोलती जा रही है, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, कहाँ बने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने जेल का पूरा हाल किया हुआ है, जीडीपी -20 बन पहुंच गई, इतनी जीडीपी कहीं गिर गई आज तक, उसके बाद बेशर्मी से यह बयान देते हैं, सिलेंडर गैस महंगा हो गया, सीएनजी महंगी, सीएनजी पेट्रोल के बराबर महंगी हो गई, उसके बाद ये मुस्कुरा रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, इतने लोग मर गए कोरोना के दौरान, गंगा शो वाहिनी हो गई, अभी देखा गुजरात में पुल टूटने, कितने लोग मर गए, उसके बाद भी मुस्कुरा रहे हैं, ये शर्मनाक लोग, शर्मनाक लोग हैं, ये देश के संविधान की हत्या कर रहे हैं, लोगों की हत्या कर रहे हैं, ये लोग इस तरह की बातें चुनाव नहीं लड़ रहे क्या गुजरात में, अरे आप हार रहे हैं, तो हार रहे, आपको सुपड़ा साफ होने वाला है, घबराए पड़े हैं, अरे कांग्रेस का बड़ा समर्थन कर रहे हैं, गठबंधन हो गया क्या, बयान दे रहे हैं कि जो मुद्दे हैं उन पे बात ही ना हो पाए, आप 2 मिनट की बहस में चाहिए, जिन लोगों को 2 मिनट की बहस पाकिस्तान में आ जाए उन लोगों को पाकिस्तान वाला करना चाहिए, अफगानिस्तान चाहिए, अरे भाई
कहिए कौन? अच्छा गौरव जी, पाकिस्तान लेके कौन आया? पाकिस्तान की बात कौन कर रहा है? इनसे पूछे महंगाई क्यों बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल क्यों बढ़ रहा है? पाकिस्तान की बात कौन कर रहा है? आप बताइए, खड़गे साहब के समर्थन में क्यों कर रहे हैं? पूछे इनसे, आप भी प्रधानमंत्री को गाली देने वालों में से हैं? आप प्रधानमंत्री को ही गाली, आप प्रधानमंत्री को गाली का समर्थन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री को सवाल पूछना गाली लगती है तो केजरीवाल जी समर्थन कर रहे हैं खड़गे के बयान का? आप एक चीज का जवाब दीजिए, आप एक चीज का जवाब दीजिए पहले। पाकिस्तान पाकिस्तान करते थे, पाकिस्तान को लेकर आप बात दे चुका हूं मैं, जो चाहिए वो कर दीजिए। प्रधानमंत्री जिस तरह के बयान देते हैं, प्रधानमंत्री को बताए प्रधानमंत्री देश के, आप जाइए प्रधानमंत्री। अरे खड़गे साहब के आप पक्ष में, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, गौरव जी से पूछिए, गौरव जी आदरणीय गौरव जी आपसे पूछिए, खड़गे साहब के बयान का समर्थन करते हैं? अरे मैंने अच्छे से प्रधानमंत्री को बयान देते नहीं सुना, तकी भाई देश का प्रधानमंत्री कह रहा है इन गालियों से मेरा पेट भरता है। तकी भाई प्रधानमंत्री उस तरह की भाषा शोभा देती है? केसी भाई बोल रहा है कि आप खड़गे का बयान का समर्थन करते हैं क्या? अरे हम तो इस तरह के, हम मोदी जी के बयान का समर्थन नहीं करते। हाँ। जो भी इस तरह की बयान देते हैं उनको समर्थन नहीं करते। इनका तो एक ही, इनका एक ही मानना है। हाँ। कि बीजेपी कहती है ऐसी वाड़ी बोलिए जम के झगड़ा होए। अच्छा। और इनसे कहती है गुस्से न लड़ा जो आपसे तगड़ा होए। अच्छा। आम आदमी पार्टी आपसे तगड़ी, हमसे लड़ लिया आप। अच्छा। आप जाइए भाई लड़िए, केसी भाई लड़िए, आम आदमी पार्टी लड़िए, आम आदमी पार्टी तगड़ी आप, तगड़ी आप। बीजेपी भटकने वाली, बीजेपी गुजरात में दिल्ली भटकने वाली है। अच्छा। अरे भटका दिल्ली में तीन बार आपको। अच्छा। तो आम आदमी पार्टी तगड़ी है, चुनाव है कि दंगल है भाई? चुनाव है कि दंगल है? पटका पटका पटकनी हो रही है। चुनाव है कि दंगल है? एक सवाल आता है मन में, गौरव जी, गौरव जी मेरा एक टिप्पणी ले लीजिए। एक सवाल आता है मन में, एक सवाल लेकिन गौरव जी, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो इनको भूखी खानी पड़ी। अरे और तीन अन्य प्रदेशों में भी इनको भूखी खानी पड़ी। पंजाब जो है दिल्ली के भाग से छीका टूटा, उसके बाद दिल्ली के भाग से छीका टूटा वाली स्थिति होगी पंजाब में, मोरबी में, पंजाब में। आपने उनको पकड़ा, पंजाब में जनता कांग्रेस को हटाना चाहती थी और दिल्ली के भाग से छीका टूट गया। अभी वहां टैक्स बिछवा रहे हैं, ये जेलों में टैक्स सप्लाई करवा रहे हैं। केजरीवाल जी नशेड़ियों के पक्ष में, खूब दारू पियो, केजरीवाल जी पूरे देश को नशेड़ी बनाने वाले चाह रहे हैं। केजरीवाल जी चाह रहे हैं देश का युवा नशेड़ी बन जाए, नशे की लत लग जाए, पड़ा रहे नशे में। और हमें लगता है आम आदमी पार्टी के सभी लोगों को पहले से उन्होंने नशेड़ी बना दिया है। केजरीवाल जी ने सबको नशे की डोज पहले दे दी है, किसान सुसाइड कर रहा है, पहले से नशे की डोज दे दी है। कैसी नशे की डोज? अस्पताल में कि आप कांग्रेस का विरोध मत करना, इस बात की नशे की डोज दे दी है। कांग्रेस का कैसा भी बयान है उसका समर्थन कर देना, इस बात की डोज दे दी है। प्रधानमंत्री को गाली दे तो उसका समर्थन करना, इस नशे की डोज इनको दे दी है। तो इनको तो, इनको तो ऐसी ऐसी डोज मिली है केजरीवाल जी के द्वारा, ये लोग ऐसा ही बोलेंगे। ये खड़गे के बारे में नहीं बोलेंगे, अरे खड़गे बारे बोल दीजिए, खड़गे अरे जी भाई, उनको उनको दिक्कत हो रही, खड़गे के बारे बोल दीजिए भाई। जो गाली देता है उसका समर्थन करेंगे। क्या हुआ, किसका भला? जो प्रधानमंत्री भाई गाली भाई, खड़गे के लिए बोल दीजिए, कांग्रेस अध्यक्ष के लिए बोल दीजिए, उनके बयान पे बोल दीजिए। ताकि भाई किस पे मार रहा है? देखिए एक बहुत अच्छा शेर है, मेरे मुंह से जो निकले ये शेरों सारी करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। ये कांग्रेस के पिछलग्गू है, अच्छा पट्टी उठाने के लिए तैयार है कांग्रेस की। ये अपना चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमारे मुंह में कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर गुजरात में, ये स्पष्ट हो गया। हमारी जबान है आज के, आज के आम आदमी पार्टी के बयान से इस बात पे मोहर लग गई। आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव नहीं लड़ रही, केवल वो डमी कैंडिडेट खड़ी कर रही है। आम आदमी पार्टी गुजरात में डमी कैंडिडेट खड़े कर रही है और वो कांग्रेस की पिछलग्गू बनी हुई है, कांग्रेस का समर्थन कर रही है। भाई केसी भाई बोल रहा है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में डमी कैंडिडेट खड़ी कर रही है, कैसा भाई? इनको जनता जवाब दे देगी, इनके जितने ख्वाब ऐसे उड़ जाएंगे। जो ये करते हैं बोल रहे हैं, जो ये करते हैं वो ये बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी वहां बहुमत से जीत रही है, 112 सीटें आ रही है आम पार्टी की। अरे आपके प्रत्याशी सुसाइड कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुसाइड कर रहे हैं, पैसा लेके टिकट बांटे हैं। अच्छा, केजरीवाल जी ने पैसा लेके टिकट बांटे हैं और पैसा लेके टिकट बांटे हैं, ना पैसा दे रहे हैं ना टिकट दे रहे हैं, ठीक है, टिकट भी काट रहे हैं और पैसा हजम कर जा रहे हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुसाइड करने पर मजबूर हो रहे हैं।
सड़कें नहीं बनाई, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आम आदमी पार्टी पार्टी है, आम आदमी पार्टी का भविष्य अपने बचाओ में, पार्टी आने वाले समय में बचाओ में बैसाखी के रूप में होने वाली पार्टी है भाई, जैसी भाई आम आदमी पार्टी आने वाले समय में देश की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है, आम आदमी पार्टी भविष्य की पार्टी, आम आदमी पार्टी के अच्छा कांग्रेस रूपी बैसाखी के सहारे अच्छा आम आदमी पार्टी भैया काट रही है और टाट पट्टी उठाने के लिए तैयार है कांग्रेस, अभी आप कांग्रेस की पिछलग्गु पार्टी है उससे कभी कटी नहीं गुजरा, ठीक है ठीक है भाई कुछ बोलना चाहते हैं, कोई वजूद नहीं कांग्रेस भाई, बोलिए जम के झगड़ा होए अच्छा उससे न लड़ो जो तुमसे तगड़ा होए, आम आदमी पार्टी उससे तगड़ी है, किसी तगड़ी है आप, मैं तगड़ी आ गया भाई, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ गौरव भाई, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में केसी जैन जी से, एक सवाल है मेरा जी, केसी जैन जी से एक सवाल है मेरा, अरे किसी भाई एक मिनट सवाल ले लीजिए, अरे किसी भाई सवाल का जवाब, अरे किसी भाई सवाल का जवाब तो दीजिए, भाग खड़े हुए जी, भाजपा का नया नामकरण आज हो रहा है केसी भाई, बयान वीर जुमलेबाज पार्टी, भाजपा का नया नामकरण बयानवीर जुमलेबाज पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ, बयानवीर जुमलेबाज पार्टी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो तिहाड़ का वीडियो आप लोग चला चला करके देश के सामने परोसना चाह रहे हैं, ये तिहाड़ किसके सुरक्षा, किसके प्रशासन, किसके नियंत्रण में है, जरा मुझे इसका कोई जवाब तो दे दे, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है, तिहाड़ किसके अधीन है ये बताइए जरा, मैं इसका जवाब जानना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तिहाड़ की सुरक्षा में सेंध लगी, अगर तिहाड़ की सुरक्षा में सेंध लगी, गृह मंत्रालय कहीं ना कहीं जवाब दे ही तय करेगा, क्योंकि वो केंद्रीय संस्था है, केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत आती है, केंद्र किसके हाथ में है, केंद्र किसके हाथ में है, अरे किसी भाई क्या बात कर, आपका कहने का मतलब तिहाड़ आम आदमी पार्टी के पास है और दिल्ली पुलिस जो है केंद्र के पास है, आप मुझे एक डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड बना दिखा दीजिए, मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूँ, इनको विचारों को, अरे नहीं, 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 आप जो करना चाह रहे हैं, आप जो दिखाना चाह रहे हैं, आप खुद पे सवाल उठा रहे हैं, आपके नियंत्रण से बाहर है, आप एडमिनिस्ट्रेशन चला ही नहीं पा रहे, आपके नाक के नीचे जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं देश को, ये तो आपका फेलियर सामने आ रहा है, समाजवादी पार्टी की मजबूरी ये है बेगाने की शादी में मुल्ला दीवाने, क्योंकि गुजरात में कैंडिडेट तो है नहीं, की तरफ से इसको मैं स्वीकार करता हूं, गुजरात में कोई कैंडिडेट तो है नहीं, स्वीकार कर लिया, आप बयानवीर जुमलेबाज पार्टी है, आज से नया नारा है बयानवीर जुमलेबाज पार्टी, बयानवीर जुमलेबाज पार्टी केवल इतने से कुर्बे में सिमट के रह गई, परिवार के लोग चुनाव हार गए, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, डिंपल यादव जी सब चुनाव हार गए, एक तरफ से एक तरफ से चुनाव हार गए, पार्टी बची कहाँ है, पार्टी बची कहाँ है, ये सोच रहे हैं ये लोग चिल्लाने आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी ये सोच रही है कि अभी तक कम से कम परिवार था समाजवादी पार्टी में, अब वो परिवार भी नहीं बचा है, मजबूरी में बिहार से मजबूरी में कांग्रेस के पिछड़ बन रहे हैं, मजबूरी में आम आदमी पार्टी बन रहे हैं, ये अपनी बात ये साजिश कौन कर रहा है, समाजवादी पार्टी बताइए, समाजवादी पार्टी कब तक केवल बयानों से काम चला, अरे आपने खुद की कार्य प्रणाली में सवाल खड़ा कर दिया ये वीडियो जारी करके कि कुछ भी आपके नियंत्रण में नहीं है, न दिल्ली पुलिस आप काम करवा पा रहे हैं, न आप बिहार में कोई सुरक्षा मुहैया करा पा रहे हैं, मतलब ये तो आपका फेलियर है, आपका फेलियर है, आपका फेलियर है, स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए कि जेलों का आपका नियंत्रण कमजोर है भाई, और रामदेव के मुद्दे पे बोलते जाइएगा, परिवार की बात करने वाले आपके प्रवक्ता इतना हताश बोल रहे हैं, रामदेव के मुद्दे पे इतना हताश क्यों हो गया, होगी बताइए ना, आप इतने राज्य की सरकार में क्या रामदेव पे महिला सम्मान के परिपेक्ष में उत्तराखंड होगी, मैं इसका जवाब जानना चाहता हूँ, महिलाओं का सम्मान करने का घोषणा परोसने वाले क्या रामदेव के बयान पे मेरे शिकायत पत्र में एफआईआर होगी, ठीक है, आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में जोड़ने के लिए, तो चर्चा यहाँ पर थी किस तरह से जो देश में बयानबाजी चल रही है, राजनीति तो होती है हर देश में होती है, मुद्दे भी होते हैं, विकास की बातें भी होती है, वादे भी होते हैं, बिना वादों के चुनाव तो होता भी नहीं है, पर जिस तरह से हमारे देश में राजनीति केवल बयानबाजी के दम पे हो रही है, ये कहीं ना कहीं राजनीति नहीं है, अगर देश के संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के लिए इस तरह की शब्दावली का उपयोग होगा तो निश्चित रूप से गलत है, ये गलत
देश के साथ भी है, ये गलत मानव जीवन के साथ भी है, ये व्यवस्था गरिमा के साथ भी है। कबीरदास जी ने जो दोहा कहा है उस दोहे के भावार्थ पर नहीं जाएंगे, कि दोहा स्वयं अपने आप में बताता है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और औरन को शीतल कहे खुद भी शीतल होए। तो यहाँ पर यह दोहा स्पष्ट बताता है कि वाणी ऐसी बोलनी है कि खुद भी शीतल रहे, दूसरे को भी शीतलता दे, क्योंकि हमारे देश की परिपाटी ऐसी रही है, हमारे देश की व्यवस्था ऐसी रही है कि हमारे देश के तमाम लोग ऐसे बड़े बड़े पुरोधा रहे हैं राजनीति के, जिनका विपक्ष तक भी उन पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करता था, ना वो सत्ता में होकर विपक्ष पर आरोप लगाते थे, ना विपक्ष उनकी गरिमा को देखते हुए उन पर आरोप लगता था। ये हमारे देश की परिपाटी रही है, परंपरा रही है और हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती रही है, पर लोकतंत्र की खूबसूरती अब केवल चुनावों तक सीमित रह गई है। बयान बयान और केवल बयान, साम दाम दंड भेद, और उसका केवल और केवल एक ही परिणाम चाहते हैं, वो चाहते हैं सत्ता, पर सत्ता केवल और केवल बयान से नहीं मिलेगी। सत्ता अगर चाहिए तो करना होगा धरातल पर संघर्ष, क्योंकि बयान से केवल होती है बुराई, घृणा और आपसी जलन और देश, जो हमारे देश की व्यवस्था में कहीं भी नहीं है। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और इस लोकतंत्र की खूबसूरती बना रखना अगर देश के प्रति नागरिक का कर्तव्य है, तो कर्तव्य है देश के उन राजनेताओं का भी जो सत्ता की कुर्सी बैठे हैं और बड़े बड़े पदों को शोभायमान कर रहे हैं। तो देश बचाइए, देश की गरिमा का ख्याल रखिए, और कम से कम ऐसे बयानों से अपने आप को दूर रखिए जिससे हमारे देश की प्रतिष्ठा आपको ठेस पहुँचती है। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।